द ट्रू मेजर ऑफ आवर सक्सेस इज लेस अबाउट आवर अचीवमेंट्स एंड मोर इन आवर एबिलिटी टू स्टैंड फर्म इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। इमारत गगनचुंबी बनानी हो तो नींव फौलादी होनी चाहिए। अदानी ग्रुप एम्पायर की मजबूत नींव का अंदाजा ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी के इस विजनरी स्टेटमेंट से ही लगाया जा सकता है। अदानी ग्रुप की 32वीं एजीएम को संबोधित करते हुए गौतम अदानी ने कहा कि बनासकांठा के रेगिस्तानों में मैंने अपना बचपन गुजारा और अपनी माँ से सीखा कि सच्ची ताकत परसिवरेंस यानी दृढ़ता में होती है। इस दृढ़ता की मिसाल गौतम अदानी और पूरे अदानी ग्रुप ने पिछले एक साल में बेहतरीन तरीके से दी है। एक विदेशी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट और रिपोर्ट पर राजनीति का वर्ग चढ़ने की वजह से पिछला एक साल अदानी ग्रुप के लिए जितना ही चुनौतियों भरा रहा, ग्रुप ने उतनी ही मजबूती से जोरदार वापसी की है। आज 24 जून को जब अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस की लिस्टिंग की 30th एनिवर्सरी है और कोइंसिडेंटली गौतम अदानी का आज 62nd बर्थडे भी है, तब उन्होंने जहां एक तरफ 1994 में आए कंपनी के आईपीओ को याद किया, वहीं दूसरी तरफ अदानी ग्रुप की परफॉर्मेंस का जिक्र करते हुए अगले 10 साल या यूं कहें कि अदानी ग्रुप की कंपनियों के फ्यूचर का पूरा प्लान सामने रख दिया। इस एजीएम को हम दो हिस्सों में समझेंगे। पहले बात करते हैं अदानी ग्रुप के इस साल के रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस की। आप जानते ही हैं कि किसी भी कंपनी की पीएनएल और बैलेंस शीट से ग्रुप की परफॉर्मेंस का अंदाजा लगता है, तो एक एक कर आपको तीन आंकड़े दिखाते हैं। पहला आंकड़ा है एबिटा का। तो FY24 में अदानी ग्रुप का एबिटा 45% बढ़कर अप्रॉक्सिमेटली 83,000 करोड़ रुपीज के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। दूसरा मुनाफे पर आते हैं। FY24 में अदानी ग्रुप का मुनाफा 71% बढ़कर 40,129 करोड़ रुपीज रहा है और बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अदानी ग्रुप की तीन कंपनियां अंबुजा सीमेंट, ACC और अदानी पोर्ट्स की रेटिंग AAA है। अब एक थोड़ा टेक्निकल लेकिन निवेशकों को समझने के लिए एक जरूरी आंकड़ा, जो नेट डेट टू एबिटा रेशियो पिछले साल 3.3 टाइम्स था, वो FY24 में घटकर महज 2.2 टाइम्स रह गया है। आसान भाषा में अगर आप इसे समझना चाहें तो किसी कंपनी या ग्रुप का जितना कम नेट डेट टू एबिटा रेशियो रहता है, ऐसा माना जाता है कि कर्ज चुकाना या रिफाइनेंसिंग कराने में उसके लिए उतनी ही आसानी होती है। कर्ज चुकाने और लिक्विडिटी से जुड़ी एक और अहम बात जो एजीएम में गौतम अदानी ने बताई, वो थी कि ग्रुप ने कैश रिजर्व बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का एडिशनल कैपिटल जुटाया है, जिससे अगले दो साल के सारे डेट रिपेमेंट कवर्ड रहेंगे। सिर्फ अदानी एंटरप्राइजेस ही नहीं, ग्रुप का हर बिजनेस, चाहे वो पोर्ट से जुड़ा हो या एयरपोर्ट से, पावर से हो या गैस से, या फिर चाहे बात हो अदानी फाउंडेशन के जरिए लाखों जिंदगियों को छूने की, हर मोर्चे पर बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। यहाँ तक कि ग्रुप की मीडिया कंपनी NDTV ने अपनी रीजनल प्रेजेंस बढ़ाई है और डिजिटल इंफ्रा को मजबूत बनाया है। NDTV के ग्लोबल डिजिटल ट्रैफिक में 39% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इसी सॉलिड परफॉर्मेंस के दम पर GQG पार्टनर्स, US डेवलपमेंट फाइनेंस, QIA समेत कई बड़े विदेशी निवेशकों ने ग्रुप पर भरोसा जताया है और कंपनियों में भारी भरकम निवेश किया है। लेकिन AGM का स्टैंड आउट पॉइंट था फ्यूचर की वो तस्वीर जो गौतम अदानी ने विजुअलाइज कराई। देश के नक्शे पर वैसे तो अदानी ग्रुप कुल 24 राज्यों में काम कर रहा है, यानी 24 राज्यों में अदानी ग्रुप की मौजूदगी है, लेकिन AGM के दौरान जिन की एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स का जिक्र चेयरमैन गौतम अदानी ने किया, एक एक करके इन्हें देश के नक्शे पर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इतने अहम क्यों है। गुजरात के खावड़ा से शुरुआत करते हैं, जहां अदानी ग्रुप लगा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से फिलहाल 3,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और अगले 5 साल में यहां 30 गीगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान देने की बात यह है कि इतनी बिजली से स्विट्जरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों की सारी बिजली की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। धारावी मुंबई ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम, इस स्लम की रीडेवलपमेंट की जिम्मेदारी अदानी ग्रुप ने ली है। दुनिया के इस सबसे बड़े स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से 10 लाख लोगों को डिग्निटी के साथ जीने का मौका मिलेगा। ये प्रोजेक्ट गौतम अदानी के दिल के काफी करीब भी है।
लखनऊ में अदानी ग्रुप ने मार्च 2023 में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 शुरू किया है। इसके अलावा गुजरात के ही मुंद्रा में कच्छ कॉपर ने नई रिफाइनरी में ऑपरेशन शुरू किए। इस दशक के अंत तक अदानी ग्रुप इसे सालाना 1 मिलियन मेट्रिक टन की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन कॉपर स्मेल्टर बनाने की योजना बना रहा है। बात पोर्ट्स के बिजनेस की करें तो अदानी पोर्ट्स के जरिए ग्रुप ने ओडिशा के गोपालपुर और पुडुचेरी के कराईकल पोर्ट का एक्विजिशन भी कंप्लीट कर लिया है, जो पोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अदानी पोर्ट की लीडरशिप पोजीशन को और मजबूत करेगा। पावर सेक्टर पर फोकस करें तो अदानी पावर ने इस फिस्कल में 1600 मेगावाट का ट्रांसनेशनल अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है। ये गोडा पावर प्लांट पड़ोसी देशों को पूरी बिजली सप्लाई करने वाला पहला पावर प्लांट है। गौतम अदानी ने आज AGM में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही। उनका मानना है कि भारत अब किसी भाग्य के चौराहे पर नहीं बल्कि अपने सबसे बेहतरीन ग्रोथ फेज के मुहाने पर खड़ा है, और ये एम्बिशियस टारगेट्स और बिग पिक्चर्स बताती है कि देश की ग्रोथ के साथ कदम ताल करता अदानी ग्रुप ग्रोथ के अपने सबसे मजबूत फेज में जाने को तैयार है। द पॉसिबिलिटी बिफोर अस आर इमेंस। We are stronger than ever, and our best is yet to come. Hum karke dikhayenge.